दोस्तों एक बार एक खूंखार शेर जब जंगलों में दहाड़ मारते हुए घूम रहा था, तब उसे एक खूबसूरत सी हिरनी दिखी, जिसे देखते ही शेर के दिल में उस हिरनी के लिए प्यार उमड़ आया और अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर हिरनी ने डरते हुए कहा कि महाराज मुझे माफ करे, क्योंकि ये फैसला मेरे पिताजी करेंगे, इसलिए ये बात आप मेरे पिताजी से कहोगे तो बेहतर रहेगा। ये सुनते ही अगले ही दिन शेर उस हिरनी के पिता के पास पहुंचा, जिसे देखते ही सारे हिरन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन फिर भी उस हिरनी के पिता तैरते हुए शेर के पैरों में गिर गए और कहा कि महाराज आपके पंजे इतने धारदार हैं, आपके दांत भी इतने नुकीले हैं, अगर आप हमारी बेटी से शादी करोगे तो हो सकता है कि आपके नाखून और तेज धार वाले दांतों के कारण मेरी बेटी की जान ही चली जाए, इसलिए माफ करें महाराज, लेकिन ये शादी आपके साथ नहीं हो सकती। अब ये सुनकर बेचारा शेर उदास हो गया और वो वहां से चला गया। लेकिन अब तक वो उस हिरनी के प्यार में दीवाना हो चुका था। अब एक तरफ था उसका प्यार तो वहीं दूसरी तरफ था उसका वजूद। लेकिन दीवानगी में पागल शेर ने बिना कुछ सोचे समझे अपने प्यार के बारे में सोचा और अपने नाखून को काट दिया और अपने तेज धार वाले दांतों को भी पत्थर पे मार मार के तोड़ दिया, जिसकी वजह से अब वो शेर कल तक जो धार मारकर घुमा करता था, आज वो अपना शिकार तक पाने में समर्थ नहीं रहा। अब वो इस हालात में उस हिरनी के घर पहुंचा। तब उसके पिता ने शेर की इस हालात को देखकर तुरंत ही शेर के ऊपर अपने नुकीले सींगों को मार मार के उसे घायल कर दिया और उसे नीचे गिरा दिया। और यहां तक कि वो हिरनी जिसके लिए शेर ने अपने खुद के वजूद को ही खत्म कर दिया था, उस हिरनी ने भी मौका पाकर अपने नुकीले सिंगों को शेर के दिल के आर पार कर दिया और प्यार में पागल शेर की वहीं पे मौत हो गई। अब भले ही ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन यहाँ पे हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। पहली कि ये स्टोरी आज के हमारे यूथ को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि आज का हमारा यूथ भी इस शेर की तरह ही जोशीला और ताकतवर है, जो चाहे तो आसमान का सीना चीर के भी अपनी सफलता को हासिल करने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन वो भी इस शेर की तरह ही किसी हिरनी के प्यार में गिर कर अपना असली वजूद ही मिटा देता है। और जब सामने वाला हमें धोखा देता है, तब लोगों की असली सच्चाई हमारे सामने आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहीं दूसरी चीज हमें ये सीखने को मिलती है कि ये दुनिया सिर्फ पावरफुल लोगों के सामने ही अपना सर झुकाती है, इसलिए हमेशा पावर को अपने हाथ में रखो, क्योंकि जिस दिन ये पावर आपके हाथ से गई ना, उस दिन से आपसे डरने वाला हिरन भी आपका कलेजा चीर कर फेंक देगा। इसलिए उम्र निकलने से पहले ये सच्चाई जान लेना। अब ऐसे ही 6 और कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे आपको उम्र निकलने से पहले ही जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। तो इसलिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों एक बार हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की डॉक्टर एन ने यह सोचा कि मैं हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों की डाइट को सुधार सकती हूँ, वो भी उन्हें बिना बताए बगैर या कुछ कहे बगैर। अब इस इम्पॉसिबल से काम को पूरा करने के लिए डॉक्टर एन ने अपने कलीग के साथ मिलकर पूरे हॉस्पिटल के कैफेटेरिया के आर्किटेक्चर को थोड़ा सा बदल दिया। अब जहाँ रेफ्रिजरेटर के अंदर सिर्फ सोडा और कोक रखे हुए होते थे, वहाँ डॉक्टर ने पानी को रखवा दिया और साथ ही पूरे हॉस्पिटल में फूड के हर एक कॉर्नर के पास पानी की बड़ी बड़ी बोतलें रखवा दी। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि जो रूम पहले कुछ इस तरीके से दिखता था, वो अब थोड़े से चेंजेस के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगा, जिससे कि अब वाटर बॉटल को एक्सेस कर पाना आसान हो गया। अब ये चेंजेस दिखने में बहुत ही छोटा सा था, लेकिन पता है आपको कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ? तो मात्र 3 महीने में ही सोडा एंड कोक की सेल 11.4% घट गई, जबकि वही वाटर बॉटल की सेल 25.8% बढ़ गई। अब ये रिजल्ट काफी चौंका देने वाला था, जिससे सबकॉन्शियसली ही डॉक्टर ने बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए ही लोगों के अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला दिया था, जिससे लोगों की हेल्थ काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई और साथ ही उनके हेल्दी खाने को लेकर उनकी अच्छी हैबिट भी ऑटोमेटिकली ही बन गई, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता भी नहीं चला। जिसे कंक्लूड करते हुए डॉक्टर एन ये बताती है कि एनवायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड That shape the human behavior, यानी कि हमारे आसपास के माहौल के पास ऐसे अदृश्य हाथ होते हैं जो मानव व्यवहार को आकार देता है। इसलिए जब हम अपने आसपास negative friends या environment को रखते हैं, तो हमारे subconscious mind भी वैसा ही दूषित हो जाता है, जिससे कि बाद में हमें पछताना पड़ता है। लेकिन जब हमारे आसपास का environment हम positive कर लेते हैं, तो इसके result भी हमें automatically ही positive ही मिलने लगते हैं। इसलिए उम्र निकलने से पहले अपनी ये गलती ठीक कर लेना, सफलता तुम्हें 100% मिलेगी। अब दोस्तों हाल ही में एक रिसर्च ने जिंदगी के हारे हुए कुछ लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें कुछ स्टूडेंट थे जो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे थे, कुछ बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर भी थे जो बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें प्यार में धोखा मिला था और वो अपने लव लाइफ में पूरी तरह से फेल हो गए थे। अब इन सभी लोगों को रिसर्चर्स ने बारी बारी से एक अनजान कमरे
में एक लो बैटरी वाला फोन और एक चार्जर देकर बंद कर दिया। लेकिन इसमें शर्त ये रखी गई कि अगर आपका मोबाइल फोन डेड हो गया तो आपको $100 का फाइन देना होगा। और अगर आपने अपने फोन की बैटरी को 100% चार्ज करने का सही तरीका ढूंढ के निकाला तो रिसर्चर्स अपनी तरफ से $500 का इनाम देंगे। जिससे हुआ ये कि लो बैटरी वाले फोन को डेड होने से बचाने के लिए सभी लोग अपने अपने कमरे में चार्जिंग पॉइंट को ढूंढने लगे। मगर इसमें ट्विस्ट ये था कि कमरे में चार्जिंग पॉइंट तो बहुत सारे थे लेकिन इसमें से केवल एक ही पॉइंट काम कर रहा था। इसलिए सभी लोग बारी बारी से सभी चार्जिंग सॉकेट में चार्जर लगाते और चेक करते कि चार्ज हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो तुरंत ही अपना चार्जर निकाल लेते और दूसरे चार्जिंग सॉकेट में अपने मोबाइल को चार्ज करने की कोशिश करते। और फाइनली सभी पार्टिसिपेट ने अपने अपने कमरे में सही चार्जिंग पॉइंट को ढूंढ लिया और अपने मोबाइल को डेड होने से बचा लिया। अब फाइनली इसका कंक्लूजन देते हुए रिसर्चर्स ने ये बताया कि जब आपने पहली बार किसी सॉकेट में अपना चार्जर लगाया और आपका फोन चार्ज नहीं हुआ तो आप एक ही चार्जिंग सॉकेट पे रुके नहीं रहे। आपने तुरंत ही देखा कि भाई यहाँ पे मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, इसलिए आप तुरंत ही दूसरे सॉकेट पे मूव कर गए और थोड़ी ही देर में आपने सही चार्जिंग सॉकेट का पता लगा लिया और अपने फोन को डेड होने से बचा लिया। सेम ही प्रिंसिपल आपको अपनी पढ़ाई, जॉब, बिजनेस और लव लाइफ में भी अप्लाई करना है। यानी कि तुम्हारा फोन अगर चार्ज नहीं हो रहा है उस सॉकेट में तो तुम थोड़ी ना उसे लगा करके छोड़ दोगे कि भाई एक दिन तो ये चल ही जाएगा ना। ऐसा नहीं होता। आप सिंपली चार्जर निकालते हो और दूसरा सॉकेट फाइंड करते हो जहाँ पे एक्चुअली में फोन चार्ज होता है। इसलिए याद रखना कि जब कोई चीज आपके हिसाब से रिजल्ट ना दे रही हो तो सबसे पहले तो अपना 100% दो उस चीज को ठीक करने के लिए, उसे चलाने के लिए। लेकिन अगर फिर भी वो ना चले तो समझ जाओ कि वो सॉकेट ही खराब है एंड यू हैव टू फाइंड सम अनदर सॉकेट। अब उम्र निकलने से पहले इस सच्चाई को समझ लेना तो सफलता 100% मिलेगी, नहीं तो खराब सॉकेट के सहारे बैठे रहोगे तो जिंदगी भाई बर्बाद ही होगी। वहीं दोस्तों चार्ल्स डार्विन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां उनके पेरेंट्स सक्सेसफुल फिजिशियंस थे, जिस कारण वो ये चाहते थे कि चार्ल्स भी उन्हीं की तरह डॉक्टर बने। और यही सोचते हुए चार्ल्स के पिता ने उन्हें यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। लेकिन चार्ल्स को बचपन से ही अलग अलग प्राणियों के बारे में जानना और पढ़ने का शौक था, लेकिन उन्हें मेडिकल फील्ड में कोई भी रुचि नहीं थी, जिस कारण वो मेडिकल में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद उनके पिता ने ठक हार कर उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोटनी की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। वहां जाते ही चार्ल्स बहुत ही खुश हुए और फिर उन्होंने एक आइलैंड पर जाकर 5 साल बिताए जहां वो ये सीख रहे थे कि आखिर इस दुनिया में सारी स्पीसीज आई कहां से है। और जब वो अपनी इस जर्नी से वापस लौटे तब उनके पास ज्ञान का खजाना था जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने थियोरी ऑफ इवोल्यूशन का निर्माण किया, जिसने पूरी बायोलॉजी की काया पलट कर दी, जिससे कि आज भी इतिहास में उनका नाम सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। अब ये चमत्कार इसीलिए संभव हुआ क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने हमेशा से अपने पैशन को फॉलो किया था। क्योंकि बिना पैशन का काम आपका पेट तो भर सकता है लेकिन वो कभी आपको एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इंसान नहीं बना सकता। इसलिए उम्र निकलने से पहले इस सच्चाई को समझ लेना और समय रहते अपने पैशन को फाइंड कर लेना। वहीं दोस्तों अब हितिन शाह, जो कि एक सक्सेसफुल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म किस मैट्रिक के को-फाउंडर है, उनका ये कहना है कि एक बार उन्होंने अपने खुद के $1 million खर्च करके एक वेब होस्टिंग कंपनी खड़ी की। और अब क्योंकि हितिन और उनके को-फाउंडर परफेक्शनिस्ट थे, जिस कारण उन्होंने एक बेस्ट चीज क्रिएट की बिना ये सोचे समझे कि आखिर में जो चीज वो क्रिएट कर रहे हैं क्या लोगों को उसकी सच में जरूरत है भी या नहीं। और यही कारण था कि उनका बनाया हुआ बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में आते ही पूरी तरह से फ्लॉप हो गया क्योंकि लोगों को इस चीज की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए किसी ने उसको नहीं खरीदा। लेकिन इस फेलियर ने हितिन शाह को एक बहुत ही बड़ी सीख दी कि हमेशा से वो चीजें क्रिएट करो जिसकी जरूरत लोगों को एक्चुअली में है, ना कि वो चीजें जो आपको दिखने में और करने में बहुत ही कूल लगे। क्योंकि अगर आप ऐसी चीजें बना भी लेते हो जो आपके अनुसार तो बहुत ही अच्छी और कूल है लेकिन मार्केट को आपके प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे में आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट कोई कूड़े के भाव में भी नहीं खरीदेगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप कुछ भी बनाने से पहले ये समझो कि आखिर लोगों को चाहिए क्या है। अब जैसे कि अभी के रिसेंट एग्जांपल की बात करें तो फिल्म आदि पुरुष के मेकर्स ने भी सेम यही गलती कर दी है। उन्होंने पैसे तो बहुत सारे फूंक दिए हैं ताकि वो रामायण को अच्छे वे में दिखा सके, लेकिन यहाँ फिल्म मेकर्स ने बड़ी गलती ये कर दी कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि आखिर में वो जिस तरह से रामायण को दिखाना चाहते हैं वैसी चीजें क्या लोग सच में देखना चाहते भी है या नहीं। और बस उनकी इतनी सी गलती के कारण आज लाखों लोग टीजर को देखते ही हर जगह से फिल्म को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। अब ये गलती फिल्म मेकर सुधार पाएंगे या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप इस लेसन को अपने उम्र निकलने से पहले जान लेते हो, समझ लेते हो, तो आप एक तगड़ा मुनाफा कमा सकते हो और साथ ही अपना बेफिजूल का नुकसान होने से भी बचा सकते हो। वहीं हम दोस्तों आगे देखें तो साल 1924 में एक होटल के दो रूम को डिवाइड किया गया, जहां एक तरफ 26 महान चेस प्लेयर बैठे थे तो वहीं दूसरी तरफ एक रशियन ग्रैंड मास्टर बैठा था जिसका नाम था एलेक्जेंडर एलेकिन। अब यहां सारे 26 चेस प्लेयर एलेक्जेंडर के साथ एक साथ चेस खेल रहे थे, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ये सारे चेस प्लेयर अपने अपने चेस बोर्ड को देख पा रहे थे जबकि एलेक्जेंडर की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अब हर बार जब भी कोई प्लेयर अपनी मूव चलता था तब रनर भागते हुए एलेक्जेंडर को उसकी जानकारी देता, जिसके बाद फिर
अलेक्जेंडर अपने मुंह को एक पेपर पर लेकर रनर को दे देते, जिसके बाद वो रनर भागते हुए जाकर चेस के पीसेस को अलेक्जेंडर के द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली मूव कर देता। अब ये गेम पूरे 12 घंटों तक चली और अलेक्जेंडर ने अकेले 26 गेम में से 16 गेम को एक साथ जीत लिया था। अब ये ब्लाइंड फोल्डेड चेस पूरी दुनिया में चर्चा का एक विषय बन चुका था, क्योंकि किसी ने भी आज तक दिमाग की ऐसी एबिलिटी के बारे में कभी भी सोचा नहीं था। क्योंकि जहां एक इंसान के लिए नॉर्मल चेस खेलना ही इतना मुश्किल होता है, वहीं अलेक्जेंडर अपनी आंखें बंद करके एक ही समय पे 26 लोगों के साथ चेस खेल सकते थे, इसलिए लोगों को ये एक चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। लेकिन फिर काफी रिसर्च के बाद लोगों को ये पता चला कि असल में अलेक्जेंडर बचपन से ही चेस के शौकीन थे, लेकिन उनके पास चेस बोर्ड नहीं था, जिस कारण उन्होंने बचपन में ही अपने दिमाग में ही कई सारे चेस पीसेस को याद रखने की कैपेबिलिटी को डेवलप कर लिया था। लेकिन उनके लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो बर्लिन में चेस को खेलने के लिए गए, लेकिन वहाँ पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। अब इस अकेलेपन में बोरियत से बचने के लिए अलेक्जेंडर ने अपने दिमाग में ही बचपन की तरह ही चेस को खेलना शुरू किया, जहाँ पे वो हर एक चेस के पीसेस को अलग अलग तरीके से चला करके गेम को जीतने की कोशिश करते, जिसकी वजह से ही उनका माइंड इतना ज्यादा शार्प होता चला गया कि आज वो एक साथ 26 लोगों के साथ एक साथ चेस खेल सकते थे और उन्हें हरा भी देते थे, जिसने दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों के सामने ये साबित करके दिखाया कि आपका दिमाग अपने आप में ही एक लिमिटलेस पावर को हासिल करने की काबिलियत रखता है, बस उसे जरूरत है तो सही माइंडसेट के साथ डेलिब्रेट प्रैक्टिस करने की, जिसकी मदद से आप अपने माइंड की ऐसी लिमिटलेस पावर को अनलॉक कर सकते हो जो सही मायने में आपको एक जीनियस बना सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस सच्चाई को तब तक समझ ही नहीं पाते जब तक कि उनकी पूरी उम्र गुजर नहीं जाती, मगर आप ये गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों, और हमें कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा लेसन सबसे बेस्ट लगा। बाकी दोस्तों, आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।